दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, आउटकम्स क्या निकल कर आए, कौन कौन से डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत कुछ है जानने को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के बीच में लंदन में हेल्ड किया गया। आफ्टर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी एंड आफ्टर हिज अरेस्ट देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड मास डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। आप सबको पता है कि 1930 में मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस को लीड करते हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हिंदुस्तान में लॉन्च किया। अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तान में मास डेमोन्स्ट्रेशन हुए, प्रोटेस्ट हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा द नीड टू इनिशिएट टॉक्स विथ इंडियन लीडर कि अब हिंदुस्तानियों से बात करने का वक्त आ गया है। तो भाई, बात कहाँ करोगे, बात करने के लिए एक मेज लगाओ गोल सा और चारों तरफ लोग बैठ जाएं, उधर का पाला तुम्हारा, इधर का पाला हमारा। तो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड किए गए 1930 से लेकर 32 के बीच में। 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जो कि मई 1930 में जॉन साइमन ने अपनी लीडरशिप में साइमन कमीशन को लीड कर जो रिपोर्ट बनाकर सबमिट किया, उसके बाद इन तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को हेल्ड किया गया बैक टू बैक। अच्छा, पहला सवाल उठता है कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पीछे का एम क्या था। एक तो मैं बता चुका हूं, अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तानियों से बात करने का वक्त आ गया है, तो मेज सजाओ, महफिल जमाओ। पहला, द मेजर एम ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज टू पैसिफाई द इंक्रीजिंग टाइड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंग्रेज हिंदुस्तान में जो नेशनलिज्म की गंगा जमुना बह रही थी, जो राष्ट्रवाद की गंगा जमुना बह रही थी, इसको थोड़ा सा पैसिफाई करना चाहते थे, कम करना चाहते थे, नेगोशिएट करना चाहते थे। और ये पूरा का पूरा काम करवा कौन रहा था, कांग्रेस, और लीडर कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी के लीडरशिप में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, उसने अंग्रेजों की लीडरशिप को हिला कर रख दिया था। इसीलिए उन्हें लगा कि अब हिंदुस्तानियों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन ये कर रहे हैं, ये हमें टिकने नहीं देंगे। अंग्रेजों को डर लगा कि बात कर मुद्दा सॉल्व करो, इनको फिर से गाजर पकड़ाओ, शांति से बैठेंगे हम, कुछ साल और हिंदुस्तान पर हुकूमत करेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा एम था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लॉन्च करने का, हेल्ड करने का, वो ये था टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एज पर द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन विच वॉज सेटअप अर्लियर बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप सबको पता है 1928 में साइमन कमीशन आई थी, क्योंकि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 10 साल के बाद संवैधानिक रिफॉर्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए साइमन कमीशन बनी। ठीक है, लोगों ने गो साइमन गो के नारे लगाए, प्रोटेस्ट किया, अंग्रेज़ों ने मास लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, साइमन कमीशन ने जब अपना रिपोर्ट रखा मई 1930 में, तो अंग्रेज़ों को साइमन कमीशन के रिपोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बताए गए थे या सजेस्ट किए गए थे, उन पर भी इंडियन से बात करना था। तो ये तीन एम थे। एक एम और, टू क्रिएट डिवीज़न बिटवीन इंडियंस बाय यूजिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ एक ही चीज़ जानते थे कि हिंदुस्तान में नेशनलिज्म की गंगा जमुना को अगर रोकना है, तो वही पुराना हथियार इस्तेमाल करो, डिवाइड करो, रूल करो। अब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को लंदन में इनॉग्रेट किया गया किंग जॉर्ज
फिफ्थ के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस को चेयर्ड किया, मतलब इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। इसके अलावा 16 डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ब्रिटेन पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन की 3 पॉलिटिकल पार्टी के 16 नुमाइंदे इस कॉन्फ्रेंस में और पार्टिसिपेट किए। हिंदुस्तान से टोटल 58 लीडर्स 58 लीडर्स एंड 16 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान से 58 लीडर और 16 लोग प्रिंसली स्टेट से पार्टिसिपेट किए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से और गांधी जी ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट किया, क्योंकि वो उस वक्त हिंदुस्तान में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अंजाम दे रहे थे। तो याद रखिएगा, 58 प्लस 16 इतने लोग हिंदुस्तान से थे, मतलब टोटल 74 लोग। एंड चेयरमैनशिप किसकी थी? रैमसे मैकडोनाल्ड की। ओके, इसके अलावा 3 पॉलिटिकल पार्टी के 16 मेंबर्स और थे। एंड पॉइंट नंबर 3 कि किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 12 नवंबर 1930 को इसको इनॉग्रेट किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गया है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान से कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो पार्टिसिपेट किए थे उन 58ों में, उनमें कौन कौन था। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खान। हिंदू महासभा से बीएस मौंजी एंड एमआर जैकर। डिप्रेस क्लास से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रत्तामलाई श्रीनिवासन। और सिखों से सरदार उज्जल सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। ये कुछ नामी गिरामी नाम है उन 58 पॉलिटिकल लीडर्स में से जो कि हिंदुस्तान से पार्टिसिपेट किए थे, प्लस इसके अलावा 16 लोग और थे जो कि पार्टिसिपेट किए थे प्रिंसली स्टेट से, जो प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन क्या हुआ? 9 सब कमिटी बनाई गई ताकि फेडरल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, मतलब जो अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिफेंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बर्मा फ्रेंचाइज, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, मतलब 9 अलग अलग सब कमिटी बनाई गई ताकि फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो अलग 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 मिनिस्ट्री होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जा सके, उनके इश्यूज के ऊपर डिस्कशन किया जा सके कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत आ रही है फेडरल लेवल पे एंड प्रोविंशियल लेवल पर हिंदुस्तान में। दूसरा, एक्सेप्ट फॉर द माइनॉरिटी कमिटी द वर्किंग ऑफ अदर कमिटीज वेंट स्मूथली। द इश्यूज ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज वॉज अ मैटर वेयर देयर वॉज अ लैक ऑफ कॉन्सेंसस। सिर्फ माइनॉरिटी वाला जो कमिटी था उसमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि माइनॉरिटी, जैसा कि आप लोगों को पता है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि एक अलग तरह का उन्हें देश चाहिए, तो कभी भी माइनॉरिटी कमिटी पर सहमति नहीं बन पा रही थी। देयर वॉज अ कॉन्सेंसस ऑन द आइडिया ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। सहमति बनी ऑल इंडिया फेडरेशन के आइडिया पर, द आइडिया ऑफ विच वॉज मूव्ड फॉर डिस्कशन बाई तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने इस ऑल इंडिया फेडरेशन के आइडिया को डिस्कस करने के लिए मूव किया। The idea of All India Federation was supported by all the groups who attended the first roundtable conference. और जितने भी लोगों ने first roundtable को participate किया था, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो इंडिया के लोग हों, सब ने All India Federation की जो idea थी उसमें अपनी सहमति जताई। तो ये पूरा का पूरा, ये जो first roundtable conference था, ये उसकी कहानी है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, क्यों हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जल्द ही मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपके लिए लेकर आऊँगा। डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।